रेगिस्तान, बर्फों या सबसे ऊंचा पहाड़, यहाँ तक कि समुद्र की गहराई तक भी, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ तक इंसान ना पहुँचा हो। अगर ऐसा कोई कोना है तो मुझे बताओ, समझे तुम? जल्दी करो। हमारी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? सुनो नोबिता, मुझे एक काम है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पहले कभी कोई ना गया हो, और मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ चले। ठीक, डोरेमोन ऐसी जगह जरूर ढूंढ निकालेगा, क्यों है ना? क्या कहा डोरेमोन? हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में किसी बहुत बड़े एडवेंचर पर जाना है, और हम दोनों ये फैसला कर चुके हैं नोबिता। है ना? तुम्हारी समझ में आ गया नोबिता? ऐसा नहीं हो सकता। देखो नोबिता, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। प्लीज डोरेमोन, कोई डरावनी जगह ढूंढो ना, जियान मुझे छोड़ेगा नहीं। डोरेमोन, मैं एक रोबोट हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, और मैं कुछ भी। मैं पूरी बात फिर से बताता हूँ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। धरती का हर एक कोना ढूंढा जा चुका है, समझ गए तुम? प्लीज डोरेमोन, डोरेमोन कहाँ हो? लेकिन कोई जगह तो होगी ना? नहीं नहीं नहीं, तुम छुपने की कोशिश मत करो डोरेमोन। चलो ना, देखो तो सही, ये वही सिक्का है जो पिछले साल डोरा के खरीदते हुए खो गया था। मैं तो इसे भूल ही गया था, ये मुझे मिल गया। मैं कितना लकी हूँ। अब मैं डोरा के खरीदने जा रहा हूँ। बाय। समझ गया, अगर हम बिना हार माने कोई डरावनी जगह ढूंढे तो हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी डोरेमोन। अगर हम अच्छी तरह ढूंढेंगे तो ना। 3, 2, 1 होम सैटेलाइट लॉन्च। ये सैटेलाइट हमें धरती के फोटोज भेजेगा, है ना डोरेमोन? क्या कहते हो? हाँ नोबिता। वाओ, इसने तो फोटो भेजना शुरू भी कर दिया। अरे कितनी साफ फोटोज हैं। मुझे यकीन है अब हमें कोई डरावनी जगह जरूर मिलेगी। तुम कुछ नहीं समझते। पता है, अगर हम धरती के हर कोने की एक एक फोटो लेते रहे तो हमारे पास 1 करोड़ फोटोज इकट्ठी हो जाएंगी। क्या कहा, करोड़? और फिर पता नहीं उन्हें देखने में कितना वक्त गुजर जाएगा, कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ लगेगा कुछ भी नहीं। इतनी जल्दी हार मत मानो, कम से कम कोशिश तो करो। चाहे जो हो, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। क्या कहा? इससे पता चलता है तुम जियान से बहुत डरते हो। हाँ डरता तो हूँ, लेकिन किसी डरावनी जगह को ढूंढना अच्छा रहेगा, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और किसी डरावनी जगह को ढूंढूं। डोरेमोन, मेरे अच्छा? ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अरे वाह डोरेमोन, तुम तो वाकई मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। सबसे पहले हमें सैटेलाइट को सेट करना होगा। समुद्र और शहरी इलाकों को हटा देते हैं। हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जो बहुत सुनसान हो। मेरे ख्याल से जंगल, पहाड़ी इलाका या रेगिस्तान ठीक रहेगा, है ना? ठीक है, चलो अफ्रीका में ही ढूंढते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। इस समय ये इंडियन ओशन से होती हुई अफ्रीका के ऊपरी आसमान पर घूम रही है। अगर ये अटलांटिक ओशन से बाहर जाएगी तो हम इसका रास्ता बदल देंगे और इससे कॉन्टिनेंट के ऊपर चक्कर लगवाएंगे। अब ये फोटोज भेजना शुरू करेगी। यहाँ तो जंगल ही जंगल है। मुझे लगता है जंगल में ढूंढना बेकार रहेगा, तो क्यों ना हम किसी और जगह ढूंढे नोबिता? कभी ना देखी गई झील या कोई बहुत पुरानी जगह, यहाँ हम कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे। नोबिता। क्या हुआ मॉम? जरा बाजार से मेरे लिए कुछ सामान लेकर आ जाओ। जब भी मैं कुछ शुरू करने वाला होता हूँ तभी काम आ जाता है। अरे इसे क्या हो गया, ये तो काफी गंदा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम पेट्स नहीं रख सकते। अरे नहीं, तुम इतने भूखे हो कि खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हारे
तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये लो, ये रहा तुम्हारा सामान। आपका शुक्रिया। और मुझे सॉसेज भी चाहिए, सबसे सस्ते वाले। हे, लो खा लो, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हें सॉसेज दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, ठीक है? तो फिर वादा रहा। माफ करना, जरा रुको। ये लो, खा लो। ये तो काफी गंदा हो गया है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये प्यारा डॉगी है। मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से अफ्रीका के बारे में देखना है। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। अरे इतनी सारी फोटोज, मैं बहुत देर से फोटोज देख रहा हूँ और मैं थक गया, अब तुम ही मेरी मदद करो ना। ठीक है, मैं एक एक करके सारी फोटोज देखूंगा। वो मेरी आवाज नहीं थी। तो फिर ये, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, और हमने वादा भी तो किया था। तो इस डॉगी को तुम लेकर आए हो नोबिता? मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये खुद मेरे पीछे आया है। अब हम क्या करें? अगर मॉम को पता चल गया तो? क्या करें, क्या करें, क्या करें? तुम यहाँ छुप जाओ। क्या हो रहा है नोबिता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना? अरे मॉम मुझे माफ कर दो, वो मुझसे बिना पूछे यहाँ आ गया था, मैं उसे भी बाहर ले जाता हूँ। अरे अब ये सारी बेकार की बातें करना छोड़ो, तुम्हें याद है मेरा एक बड़ा सा बैग था, पता है वो कहाँ पर है? क्या कहा, बैग? मैं तो डर ही गया था। इस बारे में मुझे कैसे पता होगा मॉम? मुझे लगता है बैंक से लौटते वक्त मैंने उसे कहीं खो दिया। ओह, उसमें बहुत सारे पैसे थे। आप ठीक तो हैं मॉम? मॉम अपने आप को संभालिए, ध्यान से। क्या आपको यकीन है आप बैंक से सीधा घर वापस आई थी मॉम? मैं कहाँ गई थी, इतनी गर्मी है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये कुछ सूंघ रहा है। ये रास्ता तो घर से बिल्कुल उल्टा है। कोई बात नहीं, हम इसका पीछा करते हैं। लेकिन ये आखिर आया कहाँ से है? ये कौन सी जगह है? अरे हाँ मुझे याद आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। आपने आइसक्रीम खाई? मैं कभी कभी खा लेती हूँ नोबिता। आप इस गली में गई थी क्या मॉम? हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर आग लग गई थी, आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और अचानक मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं लड़खड़ाती हुई ऐसे गिर गई। उस वक्त बैग मेरे हाथ में ही था। अरे वाह, मेरा बैग मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बैग। मॉम, बुरा ना माने तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा डॉग है, इसीलिए इसकी मदद के बदले क्या हम इसे अपने घर रख सकते हैं मॉम? ठीक है, रख लो। अरे बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि मैं सपने देख रहा हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारा नया घर। बहुत बड़ा है, लगता है इसे पसंद आया। नोबिता, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? तुम बहुत भूखे थे ना, तो तुम्हारा नाम पैको रखते हैं। अच्छा है। तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल सफेद। मैं आ गया। आपका स्वागत है डैड, आप कैसे
कैसे है? अरे इसे यहाँ कौन लेकर आया? प्यारा है ना, हम इस डॉग को आज ही लाए हैं। ये आपको हाय कह रहा है? ये नहीं चलेगा। देखो तुम दोनों सुन लो, इसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर छोड़ाओ जल्दी। लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ इसको रहने देगी? क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए आप इस मासूम को घर से बाहर फेंकना चाहते हैं क्या? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी? गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने सुना है नदी की उस तरफ जाएंगे तो वहाँ एक एडवेंचरस जगह है जहाँ कोई भी नहीं गया है। वहाँ चांद और सूरज का राज्य है। हाँ, सुनने में मजेदार लग रहा है। हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम उनका डट कर सामना करेंगे। हमारी अभियान टीम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। ये क्या है? लगता है नदी के अंदर कुछ है। दोस्तों ध्यान से, सब लोग संभल कर रहना। तुम सभी बच्चों का मेरी धरती पर स्वागत है। रोबोट, यहाँ खोजने को बहुत कुछ है, मस्ती और रोमांच से भरपूर। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों के लिए हमारे एडवेंचर अम्यूजमेंट पार्क में सबके लिए सब कुछ है। अफ्रीका की धरती पर आपका स्वागत है। नोबिता, तुम्हारे लिए ये डरावनी जगह है क्या? तुमने हमें धोखा दिया है नोबिता। ऐसा मत कहो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप रहो। तुमने इस जगह को डरावनी कैसे कहा? अरे नहीं, ये तो एक सपना था। लेकिन ऐसा हो सकता है जो सपना मैंने देखा हो वो सच हो। क्या पृथ्वी पर ऐसी एडवेंचरस जगह हो सकती है? पेको, तुम्हें क्या लगता है? पेको, तुम्हें लगता है ऐसी कोई एडवेंचरस जगह होगी? ऐसी जगह जरूर होगी, है ना? चलो साथ में सोते हैं पेको। आ जाओ पेको। नाश्ता तैयार है, जल्दी नीचे आ जाओ। खाने से पहले ब्रश कर लेता हूँ। सुनो पेको, तुम्हारा खाना उधर है। खाना शुरू करते हैं। हाँ, ये आपके लिए है। अरे वाह। अरे नोबिता, ये क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है ढंग से खाना खाया करो। पेको से कुछ सीखना चाहिए तुम्हें, समझ गए? ये डॉग तो बहुत तमीज वाला है। डोरेमोन, तुम्हारे मुंह पर खाना लगा हुआ है। अरे वाह, ये तो सवाना की फोटो है। सवाना क्या होता है? वो एक ग्रासलैंड है। ईस्ट अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह है। क्या वहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं? हो भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ डोरेमोन, अफ्रीका की कितनी फोटोज होंगी हमारे पास? वैसे सच कहूँ तो इतनी सारी फोटोज हैं कि गिनना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 90 लाख फोटोज होंगी। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। तुम ठीक तो हो ना? मैंने पहले ही कहा था ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम। मॉम ऊपर आइए, नोबिता को कुछ हो गया है। तुम ठीक तो हो ना नोबिता? मैं तो सो ही गया था। अगर मैंने जल्दी से चेक नहीं किया तो समर हॉलीडेज खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो उसे बंद कर दिया था। पेको, समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे नहीं, तुमने तो पूरे कमरे में फोटोज फैला डाली। ये क्या है? जंगल के अंदर खाली जगह? चलो जूम करके देखता हूँ ये कौन सी जगह है।
हो सकता है ये कोई रॉक हो या हो सकता है मॉन्यूमेंट हो। ठीक है अभी पता लगाते हैं। सिक्स फेसेस कैमरा। नोबिता चलो जल्दी से फोटो को मेरी तरफ करके पकड़ो। इस तरह? हाँ बस पकड़े रहना हिलना मत। चलो अब देखते हैं। ये तो एक पत्थर की मूर्ति है जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। मैं डेकी सुकी से पूछने जा रहा हूँ क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। अरे डिनर का टाइम हो रहा है। बाद में मॉम। ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। यह अफ्रीका में किस जगह पर है? ये सेंट्रल अफ्रीका के जंगल के बीचों बीच है। ओ सेंट्रल अफ्रीका में। हाँ? अरे ये तो वही धुंध से घिरा जंगल है। क्या कहा? धुंध से भरा जंगल? सच कह रहे हो? उस जंगल में हमेशा धुंध घिरी रहती है। सेंट्रल अफ्रीका के जंगल के कुछ हिस्सों का फोटो सैटेलाइट से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहाँ पर हमेशा धुंध रहती है। ये देखो। कोई बात नहीं, मेरी सैटेलाइट को बादलों से परेशानी नहीं होती। हाँ, शुक्रिया देखी सुगी। शुक्रिया। मिल गई, हमें डरावनी जगह मिल गई है। अब हम सबको इसके बारे में बताएंगे और सुबह वहाँ जाएंगे। चलो ठीक है। सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं ना? ये कैसी कैप है तुम्हारी? ये तो मैंने बस स्टाइल के लिए पहनी है। हम कब से इंतजार कर रहे हैं? इंतजार करवाने के लिए माफी चाहते हैं। ये प्यारा सा पेट किसका है? ये मेरा पेट पेको है और ये मुझे यहीं पर मिला था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। हाँ? काफी समझदार लगता है ये तो। वो तो है। मतलब नोबिता से बिल्कुल अलग है। ये क्या बोल रहे हो? तो क्या मेरी टीम तैयार है? लाइन में आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 5। लेकिन तुम तो चार ही लोग हो ना? अजीब है। लेकिन 5 आखिर कहा किसने? हाँ आज ज्ञान हो सकता है कि तुमने अपने आप को 2 बार गिन लिया हो। अरे हाँ, मुझे मिलाकर तो 5 ही हो जाते हैं। तो ठीक है डोरेमोन, अब तुम हमें हमारे इस एडवेंचर का कारण बताओगे। हाँ ठीक है। एनीवे डोर, सब लोग तैयार हो जाओ, हम जाने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एक एडवेंचर से भरी सैर पर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पत्थर की मूर्ति है जो धुंध से ढकी हुई है और उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी बात सुनो, ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ हमें खजाना मिल जाए। खजाना? तुम ये कहाँ खजाने की बात लेकर बैठ गए हो? आहा? भूलो मत सुनियो, हमारा मकसद तो सिर्फ एक बहुत जबरदस्त एडवेंचर पर जाने का है। लेकिन हम वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम 100 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाएंगे। तो हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। तो दोस्तों तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और मैं भी तैयार हूँ। ठीक है तो हमारा एडवेंचर शुरू होता है। मेरे ऊपर से हट जाओ। तुम ये हमें कहाँ ले आए? ये क्या हुआ? क्या बात है? अफ्रीका, हम सब रियल अफ्रीका में आ गए हैं ना? लगता है पेको हमें आगे जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, देर किस बात की है, आगे बढ़ो। मेरी टीम बहुत अच्छे, चलते रहो। ठीक है। कितना प्यारा है ये। खेलेंगे कूदेंगे ना 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 मस्तियां लूटेंगे ना 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 ना। क्या कर रहे हो? अच्छा ये तुम्हारी मम्मी है।
अरे वाह, तुम्हारे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हम 10 किलोमीटर तो चल चुके होंगे ना शिशुका? अभी तक हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले हैं। अभी 95 किलोमीटर बचे हैं। अब इसके बारे में सोचकर रोने का क्या फायदा नोबिता? पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं इस जगह पर आता ही नहीं। तुम लोग बहुत शिकायत कर रहे हो, समझे? जरा पेको को देखो, वो कितने जोश में है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं एक जरूरी चीज तो भूल ही गया। डोरेमोन, मुझे एनीवेयर डोर दे दो ना। लेकिन तुम उसका क्या करोगे? मेरा टेस्ट में 0 आया था, मुझे आंसर शीट छुपानी है। तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाल बाल बच गए, लगता है मॉम ने इसे देखा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? अफ्रीका। ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना, ओके? क्या अफ्रीका? तो सब लोग इधर उधर मत देखो, बस चलते रहो। तुम बहुत सेल्फिश लड़के हो। अरे नहीं, मुझे याद आया, मुझे मम्मा का एक बहुत जरूरी काम करना था। मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाकर अभी वापस आता हूँ दोस्तों। बाय बाय। अच्छी बात नहीं है, सुनियो, ये लोग कभी कोई एडवेंचर कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया, चलो फिर से शुरू करते हैं। सुनो डोरेमोन, क्या तुम प्लीज मुझे एनीवेयर डोर दोगे? तुम भी शिज़ुका। हे रुक जाओ। अब कोई एनीवेयर डोर का इस्तेमाल नहीं करेगा, समझी? पर जियान, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है तो फिर जाओ। तुम में से कोई मेरा इस एडवेंचर में साथ नहीं दे रहा। सुन लो मेरी बात, अगर अब कोई घर वापस गया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना तुम लोग? चाहे वजह कुछ भी क्यों ना हो। जियान जरा रुको, वो बात ऐसी है। बोलो क्या बात है? क्या कहा? मेरी मॉम गुस्से में मुझे ढूंढ रही है, लगता है मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। डोरेमोन मेरे दोस्त, जरा मुझे एनीवेयर डोर दे दो, मुझे कुछ काम है। सुनो जियान, एडवेंचर के बीच घर वापस कोई नहीं जाएगा। चुप रहो, समझे? चुप रहो। ठीक है, अब चलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सिर्फ पेको ही पूरे जोश में लग रहा है। जरा रुको, क्यों ना ऐसा करें, हम लोग कुछ खा लें। गुड आइडिया। लेकिन हम लोग खाने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। रुको, मैं कुछ करता हूँ। डिलीवरी बॉय। रुक जाओ, अगर ऐसी चीजें इस्तेमाल करोगे तो। चाउमीन तैयार है। लेकिन इससे सारा मजा खराब हो जाएगा। अच्छा तो फिर लार्ज कन्वर्जन एसेंस 1। सब लोग जो खाना चाहते हो उसका नाम बोलो। करी चावल, पैनकेक, फ्राइड राइस, बहुत सारे नूडल्स। ठीक है, सबसे पहले करी चावल। इन दोनों में से कौन सा वाला है? हाँ, ये वाला। ये वाला पेड़। काली से फूल बनाओ और फिर फूल से फल, इसी से फिर बने करी चावल। ये लो। इसमें करी चावल कहाँ दिख रहे हैं डोरेमोन? अरे इसे खोल कर तो देखो। हाँ, इसमें तो सच में है।
खोलते हैं। अरे वाह, अब चलकर खाना ऐसी जगह खाते हैं जहाँ पर नजारा बहुत अच्छा हो। इंस्टेंट एलिवेटर। इसके ऊपर मैं बैठने की एक जगह बना देता हूँ। प्लांट कन्वर्जन एसेंस वन। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं। पेको, चलो खाने का वक्त हो गया है। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना पेको? नीचे मत गिरना, ठीक है? क्या बात है? कितना सुंदर नजारा है। खाना शुरू करते हैं। जंगल में खाना खाने का मजा कुछ और ही है। हाँ? खाना खा के जियान का गुस्सा भी शांत हो गया। अपने लंच में से मुझे भी कुछ दो। अरे क्या हुआ पेको? वो क्या है? उस तरफ तो मुझे सफेद धुंध नजर आ रही है। इसका इसका मतलब है कि ये ये तो धुंध से घिरा हुआ जंगल है। अब तो मेरा जोश और भी बढ़ता जा रहा है। बस अब थोड़े मॉन्स्टर्स और आ जाए तो इस एडवेंचर का मजा आ जाए। क्या तुम यहाँ मॉन्स्टर्स बुलवा सकते हो? हाँ बिल्कुल बुलवा सकता हूँ। मॉन्स्टर कॉलिंग क्लोक। इस गैजेट की मदद से मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे और गुस्से में होंगे और इसके पीछे भाग जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें पेको? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्यारा लग रहा है। मैं भी इसके ऊपर बैठना चाहता हूँ। तुम लोग आखिर बीच में आए ही क्यों? मैं इससे मुकाबला करना चाहता था, समझे तुम? ये बातें छोड़ो बिजियान, तुम तो हमेशा दिखावा करते हो। तुम ऐसे मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इसे लट्टू की तरह मरोड़ कर इसे पूरी तरह से हरा देता। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। कहा काम मुझे करने दो ना। ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? देखो अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चा बन गया। मुझे फिर से बड़ा करो। अरे ये भी मेरे पीछे। इस बार ये काम मैं करूंगा डोरेमोन। डोरेमोन कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे, बचाओ। येलो, बचाओ। क्यों, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। गेंडा है ना? बचाओ मुझे प्लीज, कोई बचाओ। आखिर इन जानवरों को मैं ही क्यों दिख रहा हूँ? गोरिल्ला पड़ा है यहाँ से, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये है सुपर ग्लव्स। शिज़ुका इस बार तुम करना चाहोगी? तुम चाहते हो कि ये काम मैं करूं? बचाओ मुझे। हेलो मिस्टर गोरिल्ला, मुझसे मुकाबला करोगी क्या? आ, 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 आ,
मत, हम फिर मिलेंगे मिस्टर गोरिल्ला। तुमने तो कमाल कर दिया शिज़ुका, तुम तो बहुत बहादुर निकली। ये हम पहुंच गए। आज बहुत मजा आया। पहली बार मुझे इतना मजा आया है। इसे कहते हैं एडवेंचर। ये भी कोई एडवेंचर है? मुझे इस तरह का एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा मिशन अब से समझो खत्म है। लेकिन अभी हमें उस मूर्ति का भी तो पता लगाना है। तुम किस पत्थर की मूर्ति की बात कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा इस एडवेंचर का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम लोग। बहुत गुस्से में है। कम से कम हम सब ने बहुत ही मजे किए। मैंने सही कहा ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उठ जाओ जियान, उठ जाओ, ये सोने का वक्त नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो वही बड़ी वाली मूर्ति है। अरे ये क्या हो रहा है? किसी डरावनी जगह एडवेंचर करने का फैसला तुमने ही किया था और अब तुम पीछे हट रहे हो। आखिर कैसे इंसान हो तुम? क्योंकि मुझे वहाँ मजा नहीं आया। मजे की बात करते हो? एक बार वहाँ जाकर तो देखो, सारा रहस्य तुम्हारी आंखों के सामने खुल जाएगा, समझे? क्या रहस्य? जाओ, तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे लगते हो, कम से कम एक बार बाओ आंखों के खजाने को देख तो लो। रुक जाइए। बाऊ वांको का खजाना? हाँ दोस्तों, कल रात वो बड़ी सी मूर्ति मेरे कमरे में आई और उसी ने मुझे खजाने का ये मैप भी दिया था। ये मैप उस मूर्ति ने बनाया है? इसे देखो, ये तो कागज पर पेन से बनाया गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तुमने तो एडवेंचर गेम को खत्म कर दिया था ना? एक बार एडवेंचर का फैसला करके तुम पीछे हट रहे हो, आखिर कैसे लड़के हो तुम? पर मैं तो लड़की हूँ। ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम उस मूर्ति का रहस्य जान पाएंगे। ठीक है, तो कल वाली जगह पर चलते हैं। तैयार हो जाओ। सुनो डोरेमोन, देखो जाने से पहले हमें ये सारी चीजें यहाँ रख देनी चाहिए। लेकिन क्यों? अगर